इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के अंबरनाथ से आ रही है, जहां अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अंबरनाथ के MIDC इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई है। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायरिंग करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन दिन दहाड़े गोलीबारी की इस घटना से दहशत है। तस्वीरों में देखा जा सकता है गोलीबारी के बाद वहां धुआं नजर आ रहा है। गाड़ियों के बीच से कुछ लोग धनाधन फायरिंग कर रहे हैं। गोलीबारी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना अंबरनाथ के MIDC इलाके में हुई है, जहां गाड़ियों में सवार कुछ लोग लगातार फायरिंग करते हुए नजर आए हैं। येशा कोटक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। येशा, अंबरनाथ में फायरिंग के पीछे क्या वजह निकलकर सामने आई है? इस मामले में क्या कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया है? जी चंदन, जैसे हम देख सकते हैं ये जो फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है वो अंबरनाथ के MIDC एरिया से सामने आई है, जहाँ पे ये अभी फिलहाल सामने आया कि ये जो दो गुट थे, ये दो गुट के बीच में गोलक का ट्रेस को लेके जो है विवाद हो गया था। 10 से 12 राउंड जो है फायरिंग हुई है उसमें, और जिसके चलते ये जो MIDC का एरिया है उसके आसपास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी ये मामला दर्ज किया गया है। ये कहा जा रहा है किसी की भी जान माल की नुकसान नहीं हुई है, लेकिन 10 से 12 राउंड फायरिंग जो हुआ है जिसके बारे में अमरनाथ पुलिस जो है उसके बारे में जांच कर रही है, उसपे एक FIR भी दर्ज की गई है। जी चंदन, बिल्कुल। येशा, दिन दहाड़े फायरिंग की जाती है, क्या वहां इतने बड़े पैमाने पर लोग जुट रहे थे? क्या प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं था, पुलिस की ओर से कोई जानकारी? चंदन, फिलहाल ये कहा जा रहा है। येशा, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ गोलीबारी की तस्वीरें किस तरह से वहाँ दहशत फैला रही थी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। फुल आयटी बसले रे, अच्छा गाड़ी जैसे आले नहीं लगली गाड़ी आई जाऊंगी। अरे अरे तो दिन दहाड़े गोलीबारी की तस्वीरें, ताबड़तोड़ गोलियां बरसती रहीं अंबरनाथ में MIDC इलाके में। लोग हथियारों से दनादन फायरिंग कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। महाराष्ट्र के अंबरनाथ की हैं ये तस्वीरें, जहां दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से दहशत और बैलगाड़ी की दौड़ को लेकर के विवाद के दौरान गोलीबारी हुई है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं, 10 से 12 राउंड फायरिंग। और येशा कोटक हमारे साथ है। जी येशा, अपनी बात आप पूरी करें, क्या प्रशासन के इंतजाम वहां पर नहीं थे? नहीं लगली गाड़ी। जी चंदन, जैसे हम ये इस खबर के बारे में जहाँ बात कर रहे थे, वहाँ ये जो दो गुट थे वहाँ जमा हुए थे, आसपास कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं था। यहाँ तक प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस से, ये कोई बात सामने नहीं आ रही कि पुलिस आसपास थी, लेकिन जैसे ये दो गुट के बीच में जैसे आपने कहा बैलगाड़ी की जो रेस है उसको लेके मुठभेड़ हो गया, जिसके बाद 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने इस मामले में जो है FIR दर्ज की हुई है। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि फिलहाल ये जो गुट है जिनके बीच में मुठभेड़ हो गई थी उनसे भी पूछताछ की जाएगी पुलिस द्वारा। शिवाजी नगर पुलिस जो जहाँ पुलिस स्टेशन पड़ता है जी। ये वो वहाँ की पुलिस ऑफिशियल्स है वहाँ पहुंच गए थे, और ये MIDC का जो इलाका है अंबरनाथ उसी के सामने ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया येशा कोटक पूरी जानकारी के लिए।